ये हम लोग बात करते हैं अपने जो हमारा मेमोरी है और जो हमारा मेमोरी के अंदर प्राइमरी मेमोरी है उसके सेकंड पार्ट पे हम लोग बात करते हैं रोम पे दोस्तों, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो हमारा रैम होता है वो क्या होता है, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। जिस टाइम हम लोग सेटअप को यूज करते हैं उस टाइम काम करता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा रोम होता है दोस्तों वो क्या होता है, इस चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक को आखिर तक आप देखते रहिए, कभी आपको रोम में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। तो हम लोग बात करते हैं रोम आखिर होता क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो रीड ओनली मेमोरी, ध्यान समझिए दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी। यानी इससे काफी चीजें प्रूफ हो जा रही हैं कि रोम आखिर होता क्या है। मतलब ये हुआ कि ध्यान से हमारी बात को समझिए आप, अगर किसी कंप्यूटर में हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है, तो जो बायो सेटअप लेता है यानी बायो सेटअप जो ओपन होता है वो हमारा क्या होता है, रोम। लेकिन इन द टाइम ऑफ रनिंग कंप्यूटर वी कैन से दैट, मान लीजिए आप किसी भी एक सॉफ्टवेयर को ओपन किए हैं, जैसे मान लीजिए हमारा एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस का आपने वर्ड ओपन किया, या नोटबुक सॉरी नोट पैड वर्ड पैड पेंट कुछ भी ओपन किया आपने, जिस टाइम में वहां पे कार्य हो रहा है उसको हम लोग रैम कहते हैं। लेकिन उसको अगर हम लोग सेव कर देते हैं कंप्यूटर में, अगर वो हमारा वो फोल्डर सेव हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रोम कहेंगे। ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, ताकि अगर हम उस फाइल को दोबारा यूज कर सकें तो उसको हम लोग रोम कहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग रोम पे बात करते हैं, तो इसको हम लोग सबसे पहले कहेंगे, इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं जिसको हम लोग बायोस चिप कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, कभी काफी बार क्वेश्चन बना है कि बायोस चिप क्या होता है, तो वो उसको हम लोग कह सकते हैं बायोस चिप। दूसरा हम लोग ये होता है परमानेंट मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, कैसे हम बताते हैं आपको अभी, ये परमानेंट मेमोरी आखिर कैसे होती है। तो परमानेंट मेमोरी ये ऐसे होती है क्योंकि अगर हमारा कंप्यूटर कुछ भी सेव कर रखा है, कुछ भी सेव कर रखा है, उसे हम लोग दोबारा ओपन करते हैं तो जो मेमोरी यूज होती है वो परमानेंट ही मेमोरी वहां पे यूज होती है दोस्तों, ठीक है। तो जो मेमोरी यूज होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है, और परमानेंट मेमोरी को हम लोग रोम ही कहते हैं। ध्यान से समझिए हमारी बात को दोस्तों, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है आपको, इसको हम लोग नॉन वोलाटाइल भी कहते हैं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा तीसरा हो गया, और हां इसको हम लोग नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, इसको हम लोग फ्रेमवर्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये जब हमारा सिस्टम बूटिंग होता है, बूटिंग मतलब आप लोग बहुत अच्छे समझ रहे होंगे कि जब हमारा सिस्टम ओपन होता है तो सबसे पहले बूटिंग करता है, यानी कि बूट से ही ओपन होता है। कभी कभी आपने सुना होगा, मैंने इसके पहले फॉर्मेट कंप्यूटर फॉर्मेट का वीडियो बनाया, मैंने काफी बार उसमें बूटिंग का नाम लिया है। तो दोस्तों जो मेमोरी यूज होती है बूटिंग में वो रोम ही यूज होती है, ठीक है। आप लोगों को अगर फॉर्मेट सीखना हो तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है फॉर्मेटिंग का, इस पर आप लोग जाके पूरा फॉर्मेटिंग और बूटिंग के बारे में जान सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा क्या करता है दोस्तों, परफॉर्म बूटिंग प्रेजेंट करता है, ठीक है, प्रोसेस के टाइम बूटिंग भी, सबसे पहले ये बूटिंग करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बूटिंग करता है। तो ये है हमारा पूरा दोस्तों रोम, यानी मतलब हुआ इसके काफी पार्ट्स होते हैं, जैसे हम लोग इसके पार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे अभी आगे वीडियो में। तो इसके पार्ट होते हैं जैसे ई रोम, ठीक है, क्या होता है दोस्तों, पी रोम, ई रोम, डबल ई पी रोम, तो ये तीन इसके पार्ट होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग आगे इस पे पढ़ेंगे इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं, पार्ट में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, इस टॉपिक के लिए यहीं पे